नाइट लड़की का कोई डर नहीं होता, उसके माता पिता तो शुरू से यो कहने लग जाए उस बच्ची ने कि ये पराए धन से जिस तन तो अगला घर जाना से और घर बसाना से, और ये सत्य है और ये कठोर सत्य है समाज को कि बेटी को ना तो वो अधिकार है, शादी करके जब वो पति के घर आ जाती है तब उसको अपना वर्चस्व स्थापित करने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि उस घर पे सास का अधिकार होता है, वहाँ सास ये कहती है कि घर मेरा है तू क्यों मांग रहा है, ये सत्य है ही समाज का। बिल्कुल बिल्कुल। तो और कहते हैं कि औरत का तो उसका तो अपना कुछ घर है ही नहीं, तो वो दिक्कत कहाँ से आती है, वो माता पिता के पास से आती है, जब माँ भी शुरू में बच्ची का मन में यो डाल दे है कि तू पराए धनहा और तेरा तो यो घर है ही ना, वही मेंटेलिटी बचपन से जब उसका साथ वो भाई बड़ो ऐसे ना तो वो यो उसके भी दिमाग में यह चीज रहते है कि यो घर तो सही यो या तो चली जाएगी और ये सारी संपत्ति में मेरे ही अधिकार से मैं ही हूँ, वो आगे बुलाओगे कि ना बुलाओगे भाया भाभी सर बढ़िया बनाए कर रखो जी जी तो खाने बुला लेंगे नहीं बुलाएंगे कौन है, वो अपने परिवार में कैसे रह रही है कैसे नहीं इस बात से किसी ने कोई मतलब नहीं है, बेटा या तेरी किस्मत होगी और तने भुगतनी पड़ेगी, वो एक ही साधन यो है कि बच्चियां ने हम बचपन से ही इतना मजबूत बनाया कि उनने उनको ऊपर भगवान ना करे कभी ऐसी आवे तो वे उन परिस्थिति तक लड़ सके, तो आप है ऊपर भी एक फिल्म जरूर बनाई हो चाहिए और सेकंड पार्ट करके बनाइयो कैसे भी कि जो इसके साथ हुआ है उसके बाद क्या हुआ इस बच्चे ने अब कहा, लेकिन उसके बाद इसने किस प्रकार से अपने आप को संभाला और इस प्रथा के प्रति, तो आप जरूर बनाइए या फिल्म बहुत जरूरी है, तो बच्चियां ने शुरू से ही सशक्त बनाया कि शुरू से बच्चे मन में यह मन ना डालो मैं मेरी बेटी के प्रति बिल्कुल ना डालू और मेरा बेटा के दिमाग में मैं बिल्कुल ना डालू यह बात कि तू ही एक साथ तेरे ही सबकी भी है बिल्कुल नहीं है, यही बात भरपूर पैक्चर है इसको पापा ने भी, मैं मेरी बेटी भी बराबर की हकदार रहेगी हर चीज के अंदर, यो पल्लो छुड़ा दिया जाए से बच्ची की शादी में 20 लाख रुपया लगा दिया कि 20 लाख की थे एक बात बताओ इतना पाड़े जाए हैं 20 लाख और करते हैं और बस यो कर दिया शादी कर दी और इतने पैसे तो लड़का का खतर भी तो लगा हाँ, और बाद में वो यह बात देखा से तने तेरे गांव में बुलाया जाएगा नहीं तेरी भाभी कैसी आ गई वो चीज पे डिपेंड कर रहा है, भाभी अच्छी आ गई तो फिर बुला लेगी नहीं तो जी, तो 20 साल खेती से घूमी है वो 20 साल और उन्हें आग भी जगह भी जगह बढ़ाने के लिए उन्हें कितना संघर्ष करना पड़े थे, इसलिए कैसे औरत को अपना खुद को तो कोई घर ही ना रहे है? हाँ वो माँ को जी उसमें माँ भी दोषी है, माँ दोषी है, माँ जब आई है शादी करके तो वो क्यों नहीं है बदलाव ने लाने की कोशिश करे, मैं तो मेरी बेटी ने बिल्कुल भी नहीं जो इसके पिता कमाओगे ना मैं बराबर जहदार रह गया, मैं तो शुरू में ही कहती तो भाई तो मैं कह रही हूँ आपने कर दिया लेकिन अपनी बच्चियाँ ने जो ये नई बच्चियाँ जो है ना इनने सशक्त ये जरूरी को नहीं कि शिक्षा सबसे पहला माध्यम तो शिक्षा ही है, अपनी बच्ची अगर पढ़ना चाहे ना उसको पढ़ाओ, अगर नहीं पढ़ना चाहो तो उसने हाथ को कोई ऐसा काम सिखाओ, अगर सिलाई भी अच्छी सीखेगी ना तो वह अपना जोगा कमा कर खा लेगी, यो को नहीं की नौकरी आ रहा तो ब्याह दी तो ठीक से तू ही खर्च उठाओगे, वो अपराधीनता स्वप्न सुख नहीं पराधीनता में तो सपना में भी सुख को नहीं चाहे वो पति की हो चाहे पिता की हो किसी की भी हो, इसलिए बच्चियां ने सशक्त बनाया तो ही अब प्रथा से आजादी मिलेगी, तो ही बाप नहीं बोल सकते हाँ जरूरी नहीं है पढ़ाई कोई भी सही सिलाई हो पढ़ाई हो, बच्ची ने अपनी बच्ची ने जब आप क्या उम्मीद कैसे राक्षसों की, आप जब अपनी बच्ची ने अच्छा पढ़ाई कर आगे नहीं भेजो तो अगला क्या उम्मीद क्या अगला पढ़ा ले वो या देखी जाए ना किसी क्या कराएंगे आगे पढ़ रही है, जब तुम ना इतना रिस्क उठा पा रहा तो वो आगे जरूर से उठाओगे पढ़ाओगे आपकी बच्ची ने है, तो आप मेरी जो ये फिल्म का अगला जो पार्ट है मैं यही बोल रहा हूँ, वैसे मैं तो अनाउंस कर देता हूँ वो होता भी है कि अगर सरपंच जी इसको इस फिल्म को ड्राफ्ट को तैयार करने में हमारी मदद करेंगे तो हम सेकंड पार्ट भी बना देंगे बढ़ाओ कैसे बढ़ाओगा कि हम